हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज मैरी हैड ए लिटिल लैम्प। सो इस कंपोजिशन में हमने कलरिंग करनी है पेंसिल कलर्स के साथ। ओके, सो इसमें जो भी कलर हम यूज़ करेंगे, जैसे येलो, लाइट ग्रीन, ग्रीन, डार्क ग्रीन, पर्पल, पिंक, रेड, ऑरेंज, स्काई ब्लू, ये कलर्स हम यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कलर्स शेड्स हम यूज़ करेंगे, दीज कलर्स। ओके, सो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जब भी हम पेंसिल कलर्स या क्रेयॉन्स कलर्स यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ करने का एक ही मेथड है कि उनको एक तो सेम डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल आप इस डायरेक्शन में उनको चला रहे हो तो एक सेम ही डायरेक्शन में आपने चलाना है उसको, और बिल्कुल लाइट हैंड से चलाना है। ओके, सो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इस जगह पे कलरिंग करेंगे। ओके, कलर शेड जो भी कलर यहाँ पे करना है उन्होंने पहले ही हमें बता रखा है, इंडिकेशन दे रखा है कि ये वाला कलर है, वो वही सेम कलर हमने यहाँ पे करना है। इसको सेम डायरेक्शन में ही हम करेंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से। ओके, हल्के हाथ से चलाना है आपने, धीरे धीरे आप उसको फिल करते जाओ। जिस किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ ना आए, वो मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, सो सभी बच्चों ने ये काम कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके आपने मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड करना है। ओके, जैसे आप पहले भी काम वर्क करते आ रहे हो उसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने कलरिंग करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखिए, ऐसे आपने इसको जो भी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन आप ले लिया करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पार्ट को मैंने इस डायरेक्शन में किया, तो उसी डायरेक्शन में पूरा पार्ट फिल किया, उसी पोर्शन को पूरा फिल करना है। अब जैसे ये इस डायरेक्शन में किया था, इसको इसी डायरेक्शन में हम फिल करेंगे। ओके, जैसे ये अपना कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम ये वाला एरिया जो, इसको कंप्लीट करेंगे, इसको फिल करेंगे इस कलर के साथ। ये येलो ओकर शेड है, इसको भी हम सिंगल डायरेक्शन, जो भी सिंगल डायरेक्शन आप ले रहे हो उसी डायरेक्शन में आपने इसको कंप्लीट करना है। धीरे धीरे आप इसको हल्के हाथ से कंप्लीट करते जाओ। यस, अब इसको ऐसे फिल कर दिया, ये हो गया, और फिर ये वाली साइड, और ये इसका कॉलर। ऐसे ही आपने अच्छे तरीके से उसको फिल करना है। अब इसमें हमने ये कलरिंग कर ली, अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये लाइट है, तो इसको हल्का सा डार्क शेड देने के लिए हम एक और कलर शेड, येलो कलर से थोड़ा सा डार्क है, इसको कलर करेंगे हम, थोड़ा सा शेड करेंगे हम। ओके, ये भी बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, धीरे धीरे इसको फिल करते जाओ। ड्राइंग का वर्क सभी बच्चों ने कंप्लीट करना है। सेम डे आपने, जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिलती है, कोई भी ड्राइंग का वर्क मिलता है, आपने सेम डे ही कंप्लीट करके भेजना होता है। अगर जो बच्चा कंप्लीट करके नहीं भेजेगा तो उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। सो आप सभी बच्चों ने ध्यान देना है। अब ये देखो, इस वाला पोर्शन में ये कलर कौन सा बता रखा है, पर्पल। ये कलर हमने करना है, जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में हमने कलरिंग करनी है, ठीक है। ये धीरे धीरे आप इसको कंप्लीट करते जाओ। यस, आप सभी ने भी ऐसे ही करना है। कई बार कई बच्चों के पास मान लो पेंसिल कलर्स नहीं हैं, उनके पास वैक्स क्रेयॉन्स हैं,
तो आप क्रेयॉन्स कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी अपनी कंपोजिशन कंप्लीट कर सकते हो। आपने ऐसे ये नहीं सोचना कि मेरे पास पेंसिल कलर नहीं है, मैं वर्क कैसे करूँ, मैं तो करूँगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मीडियम कोई भी यूज़ कर लो, पेंसिल कर लो, वैक्स क्रेयॉन्स कर लो, ठीक है। अब ये पोर्शन भी अपना फिल हो गया, इसको हल्का सा डार्क कर दो, यस, शेडिंग देने के लिए। इसको जहाँ हमने डार्क करना है ना, वहाँ पे हल्की सी फोर्स हमने ज़्यादा देनी होती है। अब इस साइड में हम थोड़ी सी डार्क शेडिंग दे देते हैं सेम कलर के साथ ही, ताकि और सुंदर लगे। और हल्की सी शेडिंग इस साइड से हम दे देते हैं। ओके, सो इसी तरह आपने ये वर्क कंप्लीट करना। पहले हमने ये एरिया कंप्लीट किया, अब ये वाला, फिर ये वाला किया, फिर ये वाला। ओके, अब हम नीचे सॉक्स वाला एरिया, सॉक्स वाले एरिया में स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर हमने ये करना, सेम डायरेक्शन, बिल्कुल लाइट हैंड से। ये कंप्लीट होगी और इस साइड वाला पोर्शन ऐसे कंप्लीट कर। अब अपनी सॉक्स भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें ये कलर, ये कलर, ये वाला कलर, ये है डार्क पिंक कलर बोल देते हैं इसको, पिंक की शेड है डार्क, ठीक है। ये उसकी जो बैली या जो भी स्लिप पर डाल रखे उसने, उसमें कलरिंग करनी है। अब उसके हाथ में है एप्पल, सो एप्पल में ये रेड कलर बताया हुआ है, सो इसको हमने रेड कलर से फिल करना है, धीरे धीरे उसको कंप्लीट करते जाना है, बिल्कुल अच्छे से। आई होप आप ड्राइंग की क्लास को एंजॉय करते हो। ये लो, ये हो गया आपका एप्पल। अब देखो ये जो हैट है इसमें ये रिबन और ये फ्लावर्स ये रह गया, तो इसको रिबन को हम कर देते हैं येलो कलर, ठीक है, येलो कलर करते हैं इसमें। और जो फ्लावर है उसको लाइट ब्लू, स्काई ब्लू शेड दे देते हैं, ताकि अच्छी गर्लिश लुक आ जाएगी उसकी। देखो फिल करना बिल्कुल हल्के हाथ से, धीरे धीरे आप कंप्लीट करते चलो। यस, डायरेक्शन आपने एक सिंगल डायरेक्शन, जैसे मान लो ऐसे कर रहे हो तो पूरा पोर्शन उसको सेम डायरेक्शन में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले हम लाइट कलर से कलरिंग करेंगे, जैसे हमने अभी लाइट पिंक कलर ले रखा है, उसके बाद हम इसमें शेडिंग करेंगे डार्क पिंक कलर से, पिंक का जो डार्क शेड है उससे हम कलरिंग करेंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप कौन से कलर यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, डोम्स के पेंसिल कलर्स हैं बेटा मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे कलर्स हैं। ये लाइट कलर हो गया, अब इसके बाद हम कुछ एरिया या शेडिंग देंगे डार्क पिंक से, जैसे नीचे वाला एरिया यहाँ पे हल्की सी शेडिंग दे देंगे, ये कानों पे इस जगह पे दे देते हैं शेडिंग हल्की सी, ये वाली जगह पे, ठीक है। ऐसे हल्के हाथ से आपने शेडिंग भी इसमें
कर देनी है थोड़ी थोड़ी, ताकि और सुंदर लगे आपकी कंप्लीशन। बिल्कुल आराम से करना, देखो अपना कितना एरिया कंप्लीट हो चुका है, ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया। अब ये अब अपनी रह गई बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में ये जो कलर दे रखे हैं सबसे पहले हम करेंगे येलो। ये देखो ये इस डायरेक्शन में कलरिंग की है ना, हम भी इसी डायरेक्शन में येलो कलर फिल करेंगे। येलो कलर पहले हम लाइट कलर पहले येलो से करेंगे। वो लाइट येलो था, ये है गोल्डन येलो, ठीक है, इससे शेडिंग दे दी। फिर उसके बाद हम ग्रीन कलर यूज करेंगे, वही सेम डायरेक्शन। अगर आप सेम डायरेक्शन में कलरिंग करोगे तो आपकी कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छी होती है, सुंदर लगती है। अब उससे डार्क कलर है जो वो हमने किया, ठीक है, ऐसे इसको फिल करते जाओ। ये वाला पोर्शन है इसको छोड़ देना, इसमें येलो कर रखा है ना, इसमें ग्रीन नहीं करना आपने, ताकि वो जैसे ये शेडिंग दिख रही है ना हमें, वैसे ये शेड दिखेगा, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड का ये जो पार्ट है इसमें भी हमने पहले येलो से करते हैं, सॉरी मैंने ग्रीन कर दिया पहले, येलो करेंगे, पहले हम येलो कलर करेंगे हल्के हाथ से, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपने उसको कंटिन्यू करना है, ठीक। ये वाला पोर्शन हो गया, अब इसमें हम करेंगे ग्रीन, येलो के ऊपर हम हल्का हल्का ग्रीन शेड लेके जाएंगे। ओके, ऐसे ऐसे आपने उसी डायरेक्शन में इसको भी फिल करना है, ठीक है। ये देखो अपना ये वाला एरिया सारा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पोर्शन रह गया अपना, इसमें पहले हम ये लाइट कलर येलो इस डायरेक्शन में हमने फिल किया, इसके बाद लाइट ग्रीन, फिर यहां पे हल्के हाथ से करना लाइट ग्रीन भी, क्योंकि अगर आप ज्यादा फोर्स से चलाओगे ना, ज्यादा प्रेशर डालोगे हाथ पे पेंसिल पे, तो इसमें ना लाइंस दिखने लग जाती हैं जो कि आपके ड्राइंग को गंदा कर देंगे, वो तो बड़ा ही ओड लगता है, गंदा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। सो इसीलिए आपने हल्के हाथ से ही कलरिंग करनी है, चाहे आप क्रेयॉन्स कलर्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पेंसिल कलर्स यूज़ कर रहे हो, जो भी कलर्स आप यूज़ करते हो वो आपने हल्के हाथ से करना होता है। अब इससे हल्का सा करेंगे वो भी हल्के हाथ से, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें ये कलर कर लेना। अब ये वाला नीचे वाला एरिया थोड़ा सा रह गया अपना, वो कंप्लीट करना। देखो कितनी सुंदर कंपोजिशन बन गई आपकी। सभी बच्चों ने ये काम अपना कंप्लीट करके आज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना,
सो किसी बच्चे ने भूलना नहीं है, जब भी आप वर्क कंप्लीट करके भेजते हो सेम डे ही आपने कंप्लीट करके भेजना होता है, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। येलो, येलो के बाद लाइट ग्रीन, वही सेम मेथड, हल्के हाथ से। ठीक है, फिर उसके बाद ये लाइट ग्रीन हो गया अपना, इसके बाद डार्क ग्रीन। देखो अपनी कंपोजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये देखो अब अपना सारा एरिया ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। ये पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया हमने, ये भी कंप्लीट कर लिया, बैकग्राउंड भी कंप्लीट होगी, ये भी कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा इसको इसमें दे देते, ये एरिया ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो बेटा आप सभी ने इसी तरह इस कंपोजिशन को कंप्लीट करना है, अच्छे से कलरिंग करनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। और बेटा एक चीज़ और, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, वीडियो को लाइक करें, अगर आप कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।